पूछती सुन बेटी मेरी ये ऐसे क्यों मुरझाई रे। शाबाश। पहाड़ों वाली चोटी से मोर जो बोले रे, आंखों की निंदिया उड़ाई रे। दिन जब आता है चंदा कहाँ जाता है, तारों को भी ले जाता है। खुशी 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 नमस्कार, मैं एसीपी अभिमन्यु जिंदल, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे देश में स्कूल और परिवार में शुरू से ही बच्चों को ये सिखाया जाता है कि बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि आजकल बच्चों के साथ जितने बुरे बुरे अपराध हो रहे हैं, उससे सवाल हम पर और कानून व्यवस्था पर भी उठते हैं। लेकिन जब इन सवालों के जवाब हम अपनी इन्वेस्टिगेशन में ढूंढते हैं तो हैरान हम भी होते हैं और आप। आज का ये केस एक ऐसी मासूम बच्ची खुशी से जुड़ा है जिसकी खुशियों पर एक अपराध ने दस्तक दी। एक ऐसी दस्तक जो हिमाचल प्रदेश के एक शहर सोलन में भूचाल बनकर सामने आने वाली थी। खुशी खुशी उठ जाओ, स्कूल के लिए देर हो रही है। छोटी अम्मी ऐसे नहीं उठेगी, वो अब्बू की लाडली है, उनसे ही उठेगी। अजय सुनते हो? हाँ। आपकी लाडली बेटी उठ नहीं रही है, जाके उसे उठाइए। हाँ हाँ, आता हूँ आता हूँ। जल्दी आइए, तो स्कूल के लिए देरी हो रही है। आया। फरीन, आज बहुत देर हो गई उठने में, और समीर के स्कूल की ड्रेस भी इस्त्री करनी बाकी है। कोई बात नहीं आपा, मैं इस्त्री कर दूंगी, और हाँ नाश्ता भी तैयार कर देते। तुम पूरे घर को कितने अच्छे से संभालती हो। हाँ, मेरी तारीफ करना बंद कीजिए और जाके अपनी लाडली को उठाइए। जो हुकुम बेगम साहिबा। खुशी, ओ खुशी। अच्छा, हो। इसका मतलब खुशी की नींद खुल गई है पर आंखें नहीं खुली अब तक। अभी तुझे उठाने के लिए गुदगुदी को बुलाना पड़ेगा। ये लोग, गुदगुदी की ट्रेन आ गई, झुक 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 दौड़ने लगी। अब्बू की प्यारी शहजादी, नाम जिसका। हाय अल्लाह, मैंने आपको इसको उठाने के लिए भेजा था या सुलाने के लिए? अरे वही कर। चलो खुशी उठ जाओ, देर हो रही है स्कूल के लिए। देखो फिर से इसका नाटक चालू हो गया। आप तो दोनों आंखें खोल दे मेरी माँ, चलो उठो। अभी इस वाले आँख में थोड़ी नींद बची है हमने। हाँ हंसो हंसो, जब इसकी शादी होगी ना तब आपसे पूछूंगी कि इसकी साजे से गोद में बिठाती है या फिर चूल्हा चौका कराती है। अरे अगले 10-12 साल तक बाप बेटी की जोड़ी नहीं टूटने वाली, और जब इसका जोड़ीदार आएगा तब देख लेंगे। अरे जाओ जाओ भाई, जल्दी उठाओ, देर हो रही है स्कूल के लिए। अपनी अम्मी को इतना सताती क्यों? अरे अभी तो खोल दे आँख। लगता है आज पैदल ही जाना पड़ेगा। पैदल? तब तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरे लिए क्यों? क्योंकि आपको मुझे गोद में उठाना पड़ेगा। मैं अब्बू नहीं हूँ जो तुझे गोद में उठा फिरूंगा। चल चुपचाप। भाई जान देखो टेम्पो आ रहा है।
ध्यान से जाना। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैं पहली बार जा रही हूँ, रोज काम पर जाती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कहाँ जा रही है अकेले अकेले? रेवत गांव, मेरे दोस्त रोहित के घर, आज उसका जन्मदिन है। चल मैं तुझे गांव के छोर तक छोड़ देता हूँ, उसके बाद तू खुद चली जाना। अरे चिंता मत कर, पैसा नहीं मांगूंगा, आ जा। आफरीन। बोलो। सुनिए जी, खुशी कहीं मिल नहीं रही है। कहीं मिल नहीं रही मतलब? कहाँ गई खुशी? दोपहर को बोल के गई थी कि रोहित के घर जा रही हूँ। अम्मी, अम्मी, आज रोहित के घर पार्टी है, आज उसका जन्मदिन है, मुझे जाना है। अच्छा ठीक है, लेकिन अकेले कैसे जाओगी? मुझे मत देख, आज मुझे अपने दोस्त के साथ बाहर जाना है। ज्यादा भाव मत खा भाईजान, मुझे रास्ता पता है, मैं अकेले जा सकती हूँ। नहीं नहीं खुशी, अकेले नहीं जाना। अम्मी प्लीज जान दो ना। नहीं खुशी, मेरी अच्छी अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, आप तो कितने अच्छे ना, प्लीज जान दो ना। अच्छी अम्मी, अच्छा, प्लीज, अच्छा, प्लीज, मेरी माँ 5 बजे तक घर आ जाना लेकिन। ठीक है, थैंक यू अम्मी। ये जब 5 बजे वो घर नहीं लौटी तो मैंने रोहित के घर फोन किया था, तो उसकी मम्मी बोली कि खुशी यहाँ आई नहीं। ठीक है तुम लोग उसे ढूंढो, मैं बस आता हूँ। पापा, खुशी का कुछ पता चला? नहीं फरीन, हमने रोहित के घर तक का पूरा रास्ता छान मारा, रोहित के घर भी जाकर आए, लेकिन खुशी का कुछ पता नहीं चला। अल्लाह, पापा मेरी खुशी। ए खुशी! 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 ए खुशी! 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 खुशी 2 बजे के करीब निकली थी घर से, उस समय मैं और समीर घर पर ही थे। वैसे खुशी गई कहाँ थी? अपने दोस्त रोहित के घर, बोल रही थी उसकी बर्थडे पार्टी है, लेकिन मैंने रोहित के घर फोन किया तो उसकी मम्मी ने बोला कि खुशी यहाँ आई नहीं। हमने जंगल में भी जाकर उसे ढूंढा साहब, लेकिन हमें हमारी खुशी कहीं नहीं मिली। आप जल्दी कुछ कीजिए साहब, वो सिर्फ 9 साल की है और कल दोपहर से गायब है। कफूर, खुशी अगर रास्ता भटकती तो अब तक मिल जाती, शायद उसे किसी ने अगवा किया।
क्या कोई ऐसा है जो ऐसी हरकत कर सकता है? किसी के साथ कोई दुश्मनी, कोई झगड़ा, किसी पे कोई शक? नहीं साहब, हमारी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। गफूर एक मामूली टैक्सी ड्राइवर है, तो फिरौती के लिए किडनैपिंग के चांसेस काफी कम है। गफूर और उसकी फैमिली के सभी लोगों की डिटेल्स निकलवाओ, हो सकता है उनका किसी के साथ कोई इशू हो जिन्होंने खुशी को अगवा किया। एक काम करो, दो सर्च टीम तैयार करो, एक टीम गांव के घरों की तलाशी लेगी और दूसरी जंगल की, और पेट्रोलिंग टीम को इन्फॉर्म करो कि गांव के बाहर जाने वाले हर रास्ते पर चेकिंग करें। खुशी को गायब हुए 15 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। आई होप कि उस बच्ची के साथ कुछ गलत ना हुआ। तब तक मैं खुशी के दोस्त रोहित से बात करता हूँ। ओके सर। रोहित बेटा, क्या सच में कल खुशी तुम्हारे घर नहीं आई थी? नहीं अंकल, कल खुशी नहीं आई थी। उसे तो मुझे प्रॉमिस भी किया था कि वो पक्का आएगी। देखना, मैं बड़ी होके सिंगर बनूंगी। अच्छा तो आज मेरे बर्थडे पार्टी में तुझे सिंगिंग करना। ठीक है, पर मैं बर्थडे वाला गाना नहीं गाऊंगी, मैं मेरे अब्बू वाला गाना गाऊंगी। अम्मा मेरी पूछती है, सुन मेरी बेटी है। बस अभी नहीं, शाम को बर्थडे पार्टी में गाना। ठीक है। मैंने बहुत मिस किया कल खुशी को, लेकिन वो आई ही नहीं। जब खुशी की बड़ी अम्मी नीलोफर आंटी आई थी, उनको भी मैंने यही बताया था। सब गफूर भाई के परिवार से ज्यादा बातचीत नहीं हमारी, और मैं तो अपने बच्चों को अब खुशी के साथ खेलने भी नहीं देती। ऐसा क्यों? क्योंकि साहब उन्होंने दो दो शादियां की है और दोनों बीवियों को एक साथ रखते हैं। कल को हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे कि उनकी दूसरी अम्मी कहाँ है, तो बच्चों पे गलत असर पड़ेगा ना, इसलिए हम खुशी के साथ नहीं खेलने देते अब बच्चों को। सर, एक आदमी ने खुशी को सोनू नाम के टेम्पो ड्राइवर के साथ जाते देखा था, हमें उसका टेम्पो मिला है। उसका टेम्पो जब्त करो और उसकी फॉरेंसिक जांच करवाओ। सर मैंने खुशी की फैमिली के बारे में पता किया, फैमिली में रिश्ते थोड़े अटपटे हैं। गफूर की दो बीवियां हैं, पहली नीलोफर, दूसरी फरीन। सर नीलोफर से एक बेटा है समीर, और फरीन की बेटी है खुशी। क्या दोनों बीवियों की आपस में बनती नहीं है? एकदम उल्टा सुनने को मिला है सर, दोनों काफी मिलजुल के रहती हैं। फरीन घर का सारा कामकाज संभालती है और नीलोफर सिलाई का काम करके पैसे कमाती है। और सर पता चला है कि गफूर का एक बड़ा भाई है जमील। सर इन दोनों की आपस में बनती नहीं है। सर गफूर की दूसरी शादी से उसका बड़ा भाई जमील काफी नाराज था, दोनों भाइयों में बातचीत भी बनती, और कल से जमील शहर में भी नहीं है। तो फिर कहाँ है? सर जमील से फोन पे बात हुई, उसने बताया कि वो चंडीगढ़ में है। सर जमील भी गफूर की तरह टैक्सी चलाता है, बोला टूर पे है, 3 दिन बाद वापस लौटेगा। अरविंद एक काम करो, जमील और गफूर की दोनों बीवियों के आपस के तालमेल को समझो, लेकिन सबसे पहले हमें यह पता करना है कि सोनू नाम का टेम्पो ड्राइवर आखिर है कहां, क्योंकि आखिरी बार खुशी उसी के साथ दिखी गई। सोनू गायब है मतलब पक्का उसने कुछ किया है, उसका फोन नंबर सर्वेलेंस पे डालो तुरंत। ओके सर। टेम्पो ड्राइवर सोनू खुशी मिसिंग केस का प्राइम सस्पेक्ट बनकर सामने आया, लेकिन ऐसे इस केस में कई सोनू और मोनू थे, और खुशी मिसिंग केस का मुद्दा मीडिया और राजनीतिक गलियारों में भी छाने वाला था। खुशी को ढूंढने में पुलिस अब तक असफल है, और जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, लोगों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। हमारी खुशी वापस लो। सर आप खुशी को ढूंढने के लिए क्या कदम उठा रहे थे? मीडिया और जनता पुलिस का प्रेशर बढ़ा रहे थे, और काफी कोशिशों के बाद खुशी को ढूंढ लिया गया, लेकिन जिस हाल में वो मिली उससे लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचने वाला था।
आपकी बेटी खुशी ही है? चंदा कहीं जाता नहीं, तारे कहीं जाते नहीं, ये तो आत्मी चली का खेला है। एक 9 साल की बच्ची के साथ जो हैवानियत की गई, अगर उसे शब्दों में बयां किया जाए तो किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस बच्ची ने जो सहा होगा वो इतना असहनीय है कि इस बर्बरता को हमारा समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। खुशी का परिवार, जनता और मीडिया बार बार खुशी के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे थे, जिसके बाद होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर पर इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए SIT का गठन किया गया और इस केस की अगुवाही मुझे सौंपी गई। बहुत ही ब्रूटल मर्डर है सर। सिर्फ 9 साल की थी खुशी, किसी ब्लंट या धारदार चीज से बच्ची का सर खोल दिया गया और इतना सब करके भी जब कातिल का दिल नहीं भरा तो उसने बच्ची की दोनों आंखें कुरेद के बाहर निकाल दी। उसकी आंखें देखते ही सबको प्यार आ जाता था। कौन होगा वो वैश्य जिसने मेरी अम्मी, पानी बहुत गर्म है, थोड़ा ठंडा पानी डालो ना। क्या खुशी, गुनगुना पानी तो है, ज्यादा ठंडे पानी से नहाओगी तो सर्दी लग जाएगी। पर अम्मी, इतने गर्म पानी से नहाऊंगी तो जल जाऊंगी। मेरी बच्ची तो गुनगुने पानी से भी डरती थी, उसे उन लोगों ने तेजाब से नहला दिया। तरस अभी तरस नहीं आया उन्हें। खुशी जरूर किसी दुश्मनी का शिकार हुई है। वो टेम्पो ड्राइवर सोनू, जो खुशी की हत्या के बाद से अपना मोबाइल फोन बंद करके गायब है, उसका कोई मोटिव? सोनू पहले भी चोरी के केस में अंदर हो चुका है, पर उसका कोई मोटिव दिखाई नहीं दे रहा सर, क्योंकि खुशी के पिता सोनू को जानते तक नहीं। सोनू के टेम्पो की फॉरेंसिक जांच की, पर उसमें कोई एविडेंस नहीं मिला और ना ही क्राइम सीन पर कोई मर्डर वेपन या ऐसा कुछ मिला जो कातिल के अगेंस्ट एविडेंस बन सके। खुशी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई अभी तक। व्हाई? प्रेशर बढ़ाओ। प्राइमा फेसी में तो ये लग रहा है कि खुशी का मर्डर बदला लेने के लिए किया गया है। खुशी के फादर सोनू को नहीं जानते हैं, पर हो सकता है उनका कोई दुश्मन सोनू को जानता हो। लेकिन सर गफूर के मुताबिक उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। बदले का गोश्त ठंडा करके खाया जाता है ओमकार, शायद कोई बहुत पुरानी दुश्मनी हो सकता है सर। गफूर की उसके बड़े भाई जमील से बिल्कुल नहीं बनती थी, इस बात को पूरा गांव जानता है। जमील, बुलाओ जमील को, शुरुआत उसी से करते हैं। साहब आपको लगता है उस बच्ची के साथ मैंने किया ये सब? अपनी भतीजी के साथ? कभी भतीजी माना था उसे? आपका अपने भाई गफूर के साथ क्या फसाद है? हमारे फसाद की जड़ है गफूर की दूसरी बीवी फरहीन। 10 साल हो गए साहब, उसने जो कुछ किया भूला नहीं हूं मैं। हम पहाड़ी हैं साहब, और वो फरीन, उसकी तो जात का भी पता नहीं है किसी को। उसने गफूर को फुसला कर उससे शादी कर ली, और ना जाने क्या जादू किया, गफूर की पहली बीवी नीलोफर और उसके बेटे समीर को भी अपने साथ कर लिया। वो हमारे कुनबे के लायक नहीं थी, नस्ल खराब करके रख दी हमारी। मतलब माँ की रंजिश बेटी से निकाली, सर खोल दिया उसका, आंखें नोच डाली, इतनी नफरत भरी है तुम्हारे अंदर। साहब ये आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं, मैं तो उस वक्त यहाँ था भी नहीं। और अब कहीं जाना भी मत, यहीं गांव में रहना, नहीं तो अगला टूर जेल का करोगे, समझे? निकलो अब। ओमकार, नजर रखना इस पर। खुशी, एक, अरे कहाँ गई ये लड़की? आहा।
यहाँ क्या कर रही हैं? भूत से छुप रहे हो, यहाँ एक बच्चा भूत है। अरे भूत भूत कुछ नहीं होता। उस बच्चे के भूत को भी उसके अबू यही कहते होंगे ना कि इंसान इंसान कुछ नहीं होता। सर मैंने सोनू के मोबाइल का IMEI नंबर सर्विलेंस पे डाला था। उसने अपने मोबाइल में एक नया सिम कार्ड डाला है। उसकी लोकेशन कालका की है, वहां की लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। गुड। सब मैंने कुछ नहीं किया साहब, माना मैंने बच्ची को लिफ्ट दी थी लेकिन वो गांव के छोर पे उतर गई थी। जब मुझे पता चला कि वो बच्ची गायब हो गई है तो मैं डर गया था साहब। मुझे लगा सब मुझ पे शक करेंगे क्योंकि मैं पहले भी जेल जा चुका हूं और खुशी को आखिरी बार मेरे साथ देखा गया था, इसलिए डर के भाग गया था साहब। सोनू अपने बयान पर कायम था और हम जमील और सोनू का आपसी कनेक्शन पता कर रहे थे। खुशी के पेरेंट्स से मिलने से पहले मैं क्राइम सीन को फिर से स्कैन करना चाहता था। इस जगह से खुशी का गांव कितनी दूर होगा? ये इलाका टेकरी गांव में आता है और खुशी बरौनी गांव की रहने वाली है, तो अब अगर यहां से पैदल चलना शुरू करें तो तकरीबन आधा घंटा लगेगा उसके गांव तक पहुंचने में। खुशी उस शाम को रिवाड़ गांव जा रही थी अपने क्लासमेट रोहित के घर। ओमकार, इस जगह से तीनों गांव के डायरेक्शन में सारे एरिया स्कैन करो। जो जो घर, दुकान, खेत रास्ते में पड़ते हैं सब जगह पर फिर से एक बार पूछताछ करो। क्राइम सीन का सारा रेडियस खंगाल डालो। शायद कोई गवाह, मर्डर वेपन या ऐसा क्लू मिल जाए जो हमें खुशी के किलर की लीड दे। ओके, मैं जानता हूँ पहले भी ये सवाल आपसे कई बार पूछा गया होगा, आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी है जो खुशी के साथ हुई इस बेरहमी की वजह बनी हो? समीर बेटा, हमें पता चला है आप और खुशी सोनू के टेम्पो से अक्सर स्कूल आते जाते थे। कभी सोनू की कोई बात आपको बुरी लगी हो, उसकी कोई हरकत जो आपको ठीक ना लगी हो, या स्कूल आते जाते कोई भी ऐसा इंसान जिसकी आपको कोई भी बात बुरी लगी हो, कुछ ठीक ना लगा हो? समीर बेटा, आप मुझे बताइए कौन है वो, क्या नाम है उनका? अरे दिखता नहीं है क्या? अबे अपने सीनियर से जुबान लड़ाता है, लगता है इसकी हवा भर गई है। चल इसकी हवा निकालते हैं, चल देखते हैं इसको अभी। बच्चों को डराता है, टपो किसको बोला बे? टपो किसको बोला? बोल टपो किसको बोला? इसका बदला ना जरूर लूंगा मैं। सिद्धार्थ और वरुण। सिद्धार्थ, वरुण, नो डाउट तुम्हारी उम्र में गलतियां हो जाती हैं, सबसे होती हैं, पर खुशी के साथ जो हुआ वो गुनाह है। अगर तुम लोग कुछ भी इस बारे में जानते हो, कुछ भी, तो बेटा ये सही वक्त है बताने का। सर हम मानते हैं उस दिन हमारा झगड़ा हुआ था लेकिन हमने खुशी के साथ कुछ भी नहीं किया। सर बच्चे हैं ये, शरारत में किसी के साथ हाथापाई कर सकते हैं, लेकिन आप लोग सोच रहे हैं किसी का मर्डर किया इन्होंने और वो भी इतनी बुरी तरह से, ये क्या बोल रहे हैं सर आप? सिद्धार्थ और वरुण जैसे माइनर बच्चों पर हमारा शक करना आपको अतिशयोक्ति लग सकता है, पर हमने अपने करियर में कई केसेस ऐसे देखे हैं जहां बच्चों ने भी हमें हैरान किया है। और ये अपराध सिर्फ खुशी की ब्रूटल हत्या तक सीमित नहीं था,
बल्कि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसकी आप भी थी और भी ज्यादा भयानक थी। रेप खुशी के साथ? हाँ गफूर, और कोई एक नहीं था, गैंग रेप हुआ था। गफूर क्या अभी भी आपको किसी पर शक नहीं है? देखो जो खुशी के साथ हुआ वो सब मैं। आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? सब कुछ बताइए ना इन्हें। वो आपका भाई है तो क्या हुआ, बताइए इन्हें। आपको इनके भाई जमीर पर शक है? साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैं तो शहर में भी नहीं था साहब। तू शहर में नहीं था तो तूने सोनू से करवाया होगा। अब तू ये बोल, सोनू के साथ कौन कौन मनू थे? मैं किसी सोनू मोनू को नहीं जानता साहब। माना तू जमीन को नहीं जानता, लेकिन एक बच्ची पर गंदी नीयत थी तेरी। अपने गुनाह को छिपाने के लिए ही इतनी बुरी तरह से मारा तूने उसको, है ना? मैंने कुछ नहीं किया साहब। अगर मुझे दुश्मनी निकालनी होती तो मैं फरीन से निकालता साहब, जिसने मुझे मेरे भाई से अलग कर दिया साहब। मेरे भाई से अलग कर दिया। तेरे कहने का मतलब यह है कि तू फरीन का रेप कर सकता था? अगर तू फरीन का रेप कर सकता था तो फिर उसकी बेटी का क्यों नहीं? नहीं नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साहब, ये यकीन मानिए मैंने कुछ नहीं किया साहब। खुशी की बॉडी पर एसिड इसलिए डाला गया होगा ताकि सीमेन डिस्ट्रॉय हो जाए, लेकिन फिर भी खुशी की बॉडी पर सीमेन के ट्रेसेस मिले, वो भी एक नहीं तीन तीन लोगों। इन दोनों का डीएनए ले लो, अगर किसी एक का भी मैच हुआ तो बाकी दो तक पहुंचना आसान होगा। हम अपने शक की पुष्टि करने के लिए किसी को भी नहीं छोड़ रहे थे और क्राइम सीन के पास की गई छानबीन और पूछताछ भी धीरे धीरे रंग ला रही थी। जमील और सोनू ही नहीं, ये काम सूद भी तो कर सकता है। उसका नाम क्यों नहीं लिया आपने? देखिए बात चाहे कितनी भी पुरानी हो, लेकिन घाव देने वाले अक्सर झटका देते हैं। ये ब्रेसलेट क्राइम सीन से 200 मीटर की दूरी पर मिला है, पहले नजर में नहीं आया था सर, लेकिन अभी कह नहीं सकते कि ये क्राइम होने के बाद के दिनों में किसी का गिरा या क्राइम करते वक्त ही किसी का गिर गया। इसका साइज देखकर तो यही लग रहा है कि इसे कोई हट्टी कट्टी कलाई वाला ही पहनता था। अगर इस ब्रेसलेट में कोई बाल या चमड़ी का टुकड़ा मिल जाता है तो उससे भी डीएनए मैच हो सकता है। एक काम करो, इस ब्रेसलेट का साइज और फोटो लेकर इसे फोरेंसिक के लिए भेज दो और खुशी के परिवार वालों को भी दिखाओ, शायद वो बता सके इसे कौन पहनता था। इस ब्रेसलेट को पहचानते हैं हम? शायद कभी किसी की कलाई पे बंधे देखो। खुशी की फैमिली ने ब्रेसलेट को आइडेंटिफाई नहीं किया, अब देखते हैं कि फॉरेंसिक टेस्ट में क्या होता है। आसपास के सुनार और ज्वेलरी शॉप पर भी पता करो, शायद वहां से पता चल सके कि ये ब्रेसलेट किसे और कहां से बेचा गया। हेलो सर, जिस जंगल में खुशी का गैंगरेप और मर्डर हुआ था वहां अक्सर रेवड़ी गांव के कुछ लड़के आकर नशा करते हैं सर। बिल्लू, पिंटू और कुंदन तीनों लड़कों के नाम है सर। इन लड़कों के घर वाले नहीं, पूरे गांव वाले इनकी नशे की आदत से तंग आ चुके हैं सर। एक नंबर के बिगड़ायल और जवारी हैं तीनों। खुशी की बॉडी पर भी तीन लोगों का डीएनए मिला था, उठा लो तीनों को। लोगों ने अब तक कुछ नहीं कबूला सर। दो मिनट देता हूं, अगर सच नहीं बोला तो कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाओगे, जिंदगी भर रेंगते रहोगे। विनायक, इनकी चीखें मुझे केबिन तक सुनाई देनी चाहिए। बिल्लू, पिंटू और कुंदन अपना गुनाह नहीं कबूल कर रहे थे और खुशी के स्कूल के बच्चों से लेकर उस जंगल से गुजरने वाले हर एक इंसान, जंगल में लकड़ी काटने वाले, हिस्ट्री शीटर्स
चाइल्ड ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व क्रिमिनल्स सबके डीएनए लिए जा रहे थे और साथ ही साथ हम उस ब्रेसलेट से भी खुशी के अपराधी तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। तभी एक और स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट हमारी लिस्ट में जुड़ा। सर, सर जिस जंगल में खुशी की लाश मिली थी वहीं पास के गांव में एक पंकज सूद नाम का आदमी रहता है, पेशे से जौहरी है। ब्रेसलेट से क्या कनेक्शन बनता है उसका? सर ब्रेसलेट से तो नहीं, लेकिन पता चला है कि पंकज सूद लोगों को पैसा सूद पे देता है। गफूर के साथ बहुत पुरानी दुश्मनी है इसकी, दोनों के बीच पैसों को लेकर झगड़ा शुरू हुआ था और बात मरने मारने तक आ गई थी। अगर ऐसा है तो गफूर ने उस पर शक क्यों नहीं जताया? गफूर और पंकज सूद को साथ में बुलाते हैं, अलग अलग बिठाकर क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, फिर देखते हैं सच में से कितना झूठ निकलता है। सर गफूर ने मुझसे पैसे उधार लिए थे, पहले तो वक्त पर ब्याज दिया करता था, लेकिन कुछ टाइम बाद उसने ब्याज देना बंद कर दिया और कर्ज की रकम लौटाने को भी तैयार नहीं था। मैं उसकी पाई पाई लौटाना चाहता था साहब, और जहां तक हो सका मैंने ब्याज भी दिया, लेकिन लेकिन उसका इरादा ही कुछ और था। वो मुझे अपने एहसान तले लाकर मेरी बीवी निलोहर के साथ इसी बात को लेकर हमारी लड़ाई हुई। सर लड़ाई हुई जरूर थी, लेकिन जो इल्जाम मुझ पर लगाया गया था वो बेबुनियाद और झूठा था, ताकि इसी बहाने कर्ज की रकम लौटाने से बच जाए, और वही हुआ। सर गफूर को भले ही अपनी इज्जत प्यारी ना हो, लेकिन मुझे तो है, इसलिए भूल गया सब कुछ, अपने पैसे भी और दोस्ती भी। मैं कुछ नहीं भूला साहब, एक साल के अंदर उसका पूरा कर्जा सूद समेत लौटा दिया, फिर भी वो लोगों से कहता फिरता कि मैं उसके सारे पैसे खा गया। कभी सोचा नहीं था कि वो इतना गिरा हुआ निकलेगा। बड़े ऊंचे दर्जे का खेल खेला है सर गफूर ने मेरे साथ। अगर तुमने नीलोफर की इज्जत पर हाथ नहीं डाला था तो फिर गफूर के पड़ोसी ने तुम्हारे खिलाफ गवाही क्यों दी? जो तुम बोल रहे हो ना पंकज सूद, वो पहले से पता कर चुके हैं। वो सब झूठ है सर, उन लोगों ने मेरे खिलाफ झूठी गवाही दी थी। एक 60 साल की औरत ने गवाही दी थी, और इतना ही नहीं झाड़ू से पीट कर बाहर निकाला था उसने। तुम्हें अपने डीएनए सैंपल्स देने होंगे, फिलहाल के लिए जा सकते हो। धन्यवाद सर। एक मिनट, ब्रेसलेट बड़ा अच्छा है आपका, आप ही का है? जी हाँ सर, मेरी है। दिखाओ। मेरे पास भी एक ब्रेसलेट था, खो गया अभी, लेकिन फोटो है मेरे पास, ये देखिए। ऐसा बना पाएंगे मेरे लिए? जी बिल्कुल सर। गुड। आपने पहले भी कभी इस डिजाइन का ब्रेसलेट बनाया क्या? जी नहीं सर, ये डिजाइन मैं पहली बार देख रहा हूँ, लेकिन सर आप फोटो सेंड कर दीजिए, मैं बिल्कुल हूबहू बना दूंगा। ठीक है, अभी नहीं, बाद में बनवाता हूँ। अब इस केस का सारा दारोमदार अब तक सामने आए हमारे सारे सस्पेक्ट्स की डीएनए रिपोर्ट्स पर निर्भर कर रहा था, पर जो हम सोच रहे थे परिणाम उसके बिल्कुल विपरीत घटने वाला था। सर, खुशी की बॉडी से मिले डीएनए सैंपल्स किसी भी संदिग्ध के डीएनए से मैच नहीं हो रहा है। अब तक 50 से ज्यादा लोगों का डीएनए ले चुके हैं। कौन है वो जिसने एक 9 साल की बच्ची के साथ? अब हमारे लिए मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। ये केस डेड एंड पर नजर आ रहा था, कोई भी नया सिरा नहीं दिख रहा था, पर तभी इस केस को एक उम्मीद मिली। सर, क्राइम सीन से हमें जितने भी एविडेंस मिले थे उनमें एक प्लास्टिक बॉटल थी, उस बॉटल में उसी एसिड के ट्रेसेस मिले हैं जिससे खुशी को जलाया गया, और उस बॉटल पे फिंगरप्रिंट्स भी हैं। वेरी गुड, इस फिंगरप्रिंट्स को सारे सस्पेक्ट के फिंगरप्रिंट से मैच करो। राइट सर। सर, एसिड बॉटल पे जो फिंगरप्रिंट्स मिले वो किसी भी संदिग्ध से मैच नहीं हो रहे। ओमकार, अब तक हमने सारे एक्सटर्नल एंगल से टटोले, हो सकता है मामला अंदरूनी हो। लेकिन सर, गफूर के भाई जमील के अलावा तो कोई अंदरूनी मामला अभी तक सामने आया नहीं। जमील बोल रहा था कि फरीन बाहर की, पढ़ा नहीं, हो सकता है मामला फरीन के बैकग्राउंड से जुड़ा। हमने पता किया फरीन के परिवार के बारे में, वो बिहार की रहने वाली, उसके माँ बाप सालों पहले गुजर चुके हैं। फरीन से जुड़ा कोई भी ऐसा इंसान अभी तक हमारे सामने नहीं आया सर, जिसका गफूर के आने जाना हो। मुझे अभी भी लग रहा है कि मामला अंदरूनी है, शायद कोई गफूर, निलूफर और फरीन से जुड़ा हुआ इंसान है जो अभी तक हमारी नजर में नहीं आया। परिवार में कुछ गड़बड़ नजर नहीं आया? हाँ,
गफूर और नीलोफर का बेटा समीर थोड़ी गलत संगत में। उसके कुछ आवारा दोस्त है जिनके साथ वो मटरगस्ती करता है। नीलोफर और फरीन के बीच घर में? क्या नीलोफर जहाँ सिलाई का काम करती है वहाँ से कुछ? ना ही पड़ोसी ने कुछ बोला, ना ही उन लोगों ने जहाँ नीलोफर काम करती है। फिर भी चांस लेते हैं, पूरे परिवार के फिंगरप्रिंट्स और डीएनए सैंपल्स में। जैसा कि खबरी ने बताया था कि समीर के कुछ आवारा दोस्त भी हैं, समीर के साथ उनके भी फिंगरप्रिंट्स हैं। तो कैसे देखते हैं निशाने पर बैठता है क्या। सर समीर भाई है खुशी का, वो अपनी बहन के साथ ऐसा करेगा? कपूर हम सिर्फ अपना काम करें और समीर के नहीं बल्कि तुम्हारे और बाकी सभी लोगों के फिंगरप्रिंट्स भी हम लेंगे, समझे? समीर के दोस्तों में से एक दोस्त के फिंगरप्रिंट्स एसिड की बोतल पर मिले फिंगरप्रिंट से मैच हो गए। हीरू नाम है इसका, सिर्फ 14 साल का है। ये हीरू भले ही 14 साल का है, माइनर की आड़ में बचना नहीं चाहिए। उठा लो इसे। सवाल इससे होंगे, जवाब भी देगा। अगर बीच में कुछ बोले तो सीधा बाहर बैठा दूंगा। सर मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो अभी तक कुछ पूछा ही नहीं है। पहला सवाल, एसिड कहां से लेकर आया? एसिड? वही एसिड जो खुशी की बॉडी पर डालकर उसे जलाया गया। एसिड की बोतल पर तेरी उंगलियों के निशान मिले हैं। ये तो बेटा सोचना ही मत कि नाबालिग होने की वजह से तू बच जाएगा। और कौन कौन थे तेरे साथ? सर हमने कुछ नहीं किया, कसम से सर। सर हमने कुछ नहीं किया है सर। सर मेरी बहन थी वो, उसके साथ ऐसे कैसे करूंगा? वैसे केस सोल्व हो चुका है तुम लोगों के एक दोस्त की वजह से। विनायक लेकर आओ। ये भी दोस्त है ना तुम लोगों का, सब बता दिया इसमें हमें। देखो तुम्हारे डीएनए सैंपल्स तो है ही हमारे पास, ये खुशी की बॉडी पर मिले डीएनए से मैच होता है। तुम नहीं बोलोगे तो तुम्हारा डीएनए बोलेगा, सजा तो तुम्हें होगी। हाँ कन्फेशन कर लोगे तो शायद सजा में थोड़ी सी रियायत हो जाए। मर्जी तुम्हारी है, बोलो क्या करना है। तो एसिड उस दिन हीरू लेकर आया अपने घर से, फिर ये क्या तमाशा लगा रखा आपने? क्यों जुल्म करें इन मासूम बच्चों पर? नीलोफर जी बिल्कुल सही कह रही हैं, तमाशा जुर्म मासूम बच्चे। सही कहूं तो इनसे ज्यादा तो मासूम मुझे आप नजर आ रही हैं। कितनी आसानी से आपने अपनी सौतन को घर में स्वीकार कर लिया, उसकी बेटी को स्वीकार कर लिया। कितना प्यार करती थी ना आप खुशी से। एक बात पूछनी थी नीलोफर जी आपसे, जिस दिन खुशी गायब हुई उस दिन आपने अपनी फैक्ट्री से आधे दिन की छुट्टी क्यों ली थी? कहां गई थी आप? ये कॉल रिकॉर्ड्स, इन्होंने कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया तुम सब लोगों का। उस दिन तुम सब एक ही जगह पर एक साथ थे। कहानी खत्म नीलोफर जी, नाटक का पर्दा गिरने वाला है। बेहतर यही होगा कि जो जो सच है वो स्वीकार कर दो। बोलिए ऐसी भी क्या दुश्मनी थी उस मासूम बच्ची से जो इतनी बेरहमी से निकाली आपने? खुशी वो लड़की फूटी आप नहीं भाती थी मुझे, और जब से कफू ने दूसरी शादी की तो अपने ही घर में पराए हो गए थे हम लोग। और जब खुशी पैदा हुई तो गफूर का सारा प्यार उस माँ और बेटी तक ही रह गया था। तुम पूरे घर को कितने अच्छे से संभालती हो। मेरी तारीफ करना बंद कीजिए और जाके लाडली को संभालिए, उठाइए। फरीन गफूर की दूसरी बीवी वो तो घर की मालकिन ही बन गई। मैं चाहती थी कि जैसे उसने मेरा घर उजाड़ा है मैं भी उसका घर उजाड़ू, इसलिए मैंने खुशी को खत्म करने का सोचा, ताकि उसे पता चले कि जब किसी की प्यारी चीज छीन ली जाए तो उसे कैसा लगता है। हम लोग कब से मौके की तलाश में थे और उस दिन मौका मिल गया। थैंक यू अम्मी। ये
अम्मी खुशी निकल गई है, रोहित के घर जा रही है। मैं फौरन छुट्टी लेकर निकली। खुशी मुझे गांव के छोर में मिल गई। खुशी, बड़ी अम्मी अभी तो जल्दी आ गई। हाँ, आज मैं तुझे बहुत बड़ा सरप्राइज देने आई हूँ, चलते। लेकिन बड़ी अम्मी, आज तो रोहित का जन्मदिन है, मैं वहीं जा रही थी। कोई बात नहीं, जल्दी आ जाएंगे। मैं तुझे खुद ही रोहित के घर में छोड़ दूंगी। अभी जंगल चलते, वहाँ जाकर मोर देखेंगे। मोर? चलो बड़ी अम्मी, जल्दी चलो जल्दी। और फिर समीर वहाँ अपने दोस्तों के साथ आया। बड़ी अम्मी, मोर कहाँ है? चुप, खबरदार जो मुझे बड़ी अम्मी कहा तो। जो करना था कर दिया था उन लड़कों ने। अब उस मनहूस को जिंदा रखना खतरे से खाली नहीं था। 10 साल से जो नफरत भरी थी अंदर, सब निकाल दिया उस पर। तेरे दिल में अगर इतनी नफरत थी तो मुझे मार देती, मेरी खुशी को क्यों मारा? उस खुशी और उसकी माँ के लिए तुमने मेरा और मेरे बेटे की खुशियों का गला घोटा, तो उस खुशी को तो मरना ही था ना। तुमने सिर्फ मुझसे मेरी बेटी ही नहीं, मेरा बेटा समीर भी छीन लिया। और तू इतनी गिर गई कि उससे उसी की बहन का। क्राइम सीन पर जो हमें ब्रेसलेट मिला था वो 28 वर्षीय मुन्ना का था। 19 वर्षीय नौसाद ने खुशी की आंखें कुरेद कर निकाली थी। 14 वर्षीय हीरू ने खुशी की बॉडी पर एसिड डाला और 14 ही वर्षीय खुशी के भाई समीर ने इन सब के साथ मिलकर अपनी बहन का रेप किया था। और इस अमानवीय अपराध को शह दी थी निलोफर ने, जो खुशी की सौतेली माँ थी। भला एक माँ का, एक स्त्री का स्तर इतना नीचे कैसे गिर सकता है कि वो अपने ही बेटे से एक बच्ची जो उसके बेटे की सौतेली बहन भी है उसका रेप करवाए। पर यह सच कल्पना से परे है। यह हकीकत है कि हमारे समाज में आजकल ऐसे अपराध हो रहे हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि इंसान का स्तर आजकल कितना नीचे गिरता जा रहा है। ऐसी विकृत सोच को रोकने के लिए एक जिम्मेदार विचार की जरूरत है, और ऐसी विकृत सोच रखने वालों से बचने के लिए क्या किया जाए, इसका हल हम सबको मिलकर ढूंढना होगा। शायद गफूर इसका हल बहुत पहले ढूंढ सकता था। उसने अपनी पहली पत्नी निलूफर और उसके बेटे समीर के बर्ताव में कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी दस्तक जरूर महसूस की होगी, पर वो समझ ही नहीं पाया कि घात लगाने वाले उसके घर में ही मौजूद थे। अब मैं ACP अभिमन्यु जिंदल आपसे विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। क्राइम पेट्रोल दस्तक, मकसद बताना नहीं, बचाना है।